6 साल से मुगल सल्तनत इस सूर में बंदा सिंह बहादुर का कुछ न बिगाड़ सके। इसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की नाक के नीचे अपने गुरु के सपनों का पंजाब बसाया, जालिमों का नाश कर जुल्मों से मुक्त पहला खालसा राज स्थापित किया। लाहौर से फिर निकला मानवता के इतिहास का सबसे क्रूर जुलूस। बंदा सिंह को जलील करने के लिए उसे शाही पोशाक पहनाई गई और उसके 3 साल के मासूम बेटे को कैदी बना 740 सिंहों के साथ दिल्ली ले जाया गया। आखिर बंदा मुगल फौज के हाथ आ गया। शेर की तरह उसको पिंजरे में डाल दिल्ली लाया गया। शाह हिंदुस्तान, ज्यादातर सिंहों को हमने पंजाब में ही ठिकाने लगा दिया है और बचे कुचों की अकल ठिकाने लगाने यहां दिल्ली ले आए हैं। जो हमारा मजहब कबूल करे उसे रिहा करो और जो ना करे उसे फौरन अलविदा करो। आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर कोई हमारा मजहब कबूल करता है उसको बख्श दिया जाएगा। ओ सिपाहियों, लाओ एक को। ओ जलाद, पहले मैं। ओ जलाद, पहले मुझे मुक्ति दे। उसको पकड़ो। हर कैदी सिंह सबसे पहले शहीद होने के लिए उतावला था। रोज चढ़ते सूरज के साथ 100 सिंह कत्ल कर दिए जाते थे। 7 दिनों में 700 सिंह शहीदी पा गए। सात सौ सिखों को उनके साथियों के सामने ही कत्ल के लिए ले जाया गया जनाब, फिर भी उनका फैसला नहीं बदला। हर कत्ल के बाद हमारी उम्मीदें घटती गई और उनके इरादे मजबूत होते गए। 3 महीने कैद में सड़ने के बाद भी ना तो कोई सिंह और ना ही बंदा अपना मजहब छोड़ने को तैयार है। सर कलम कर दो। डर तो नहीं लग रहा पुत्र? डर? वो क्या होता है? हाँ, तुझे कैसे पता? वो तो सिंहों में होता ही नहीं। हाँ, जैसे बाबा फतेह सिंह ने भी नहीं था, उनसे सीख लिया कि धर्म के लिए अटल कैसे रहना है। चल, हुक्म हुआ तो अपने बच्चे का खुद कत्ल करेगा। सिंह औरतों और बच्चों पर कभी वार नहीं करते। इस हैवानियत के तुम महारथी हो। काजी ने बंदा सिंह के बेटे को जल्लादों के हवाले कर दिया। बंदा ने उसकी लाल दस्तार को चूमा और उसके कान में कहा, वाहे गुरु जी की फतेह। बेटे के चेहरे की तरफ देखा और निर्भय होने के लिए कहा। बेटे ने भी वाहे गुरु जी की फतेह गरज कर जवाब दिया, मैं निर्भय हूँ, उसने कहा। बेटा वाहे गुरु जी की फतेह उचारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सत श्री अकाल। बंदा सिंह, तेरी शांत आंखें मुझे डरा रही हैं। ये मेरे अंदर घुसती जा रही हैं। इन आंखों को फोड़, मैं तुझे अंधेरे में धकेल दूंगा, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। रुक क्यों गए? मेरी आंखों को तो फोड़ दोगे, लाखों और जो तुम्हें तुम्हारे पापों की याद दिलाएंगी उन्हें कैसे फोड़ोगे? बंदा सिंह बहादुर के जिस्म को जंबूरों से नोचा गया, बोटी बोटी कर दिया गया। मुगलों की ये दरिंदगी भी बंदा सिंह को आखिरी सांस तक उसके उस खालसा पंथ से टस से मस नहीं कर सकी।